माटी से बंधी डोर 27 मई से शाम 7:30 बजे स्टार प्लस पर। महाराज, ये निमंत्रण उस बृहस्पति महायज्ञ के जो आपके और माता लक्ष्मी की उपस्थिति के बिना पूर्ण नहीं हो सकता। मुझे आशा है कि आप उस यज्ञ में पधार कर इसे अवश्य सफल बनाएं। हमारा निमंत्रण कहाँ है आनंदम? प्रभु, निमंत्रण प्राप्त होने के बाद किसी भी अनुष्ठान में देवताओं का ना जाना अनुचित होता है, किंतु महादेव के इस अपमान को सहन करना भी अनुचित है। आप हमारी चिंता ना करें। हाँ, निश्चय ही पिताश्री से भूल हो गई होगी। हमें शीघ्र ही चलना होगा। हम मानते हैं आप वहां आमंत्रित नहीं हैं। आप वहां तब तक ना पधारें जब तक पिताश्री से स्वयं आपको निमंत्रण प्राप्त नहीं हो जाता। किंतु प्रभु, हमें वहां जाने की अनुमति दीजिए। नहीं देवी, केवल हम नहीं, आप भी वहां निमंत्रित नहीं हैं। आपका वहां जाना अनुचित होगा। नहीं प्रभु, हम अपने पिताश्री को भली भांति जानते हैं। हमें मनाने के लिए ही उन्होंने यह महायज्ञ का आयोजन किया होगा। हमें आज भी स्मरण है, जब भी हम बचपन में दुखी होकर रूठ जाते थे, वे स्वयं हमें मनाने नहीं आते थे, परंतु ऐसे ही किसी समारोह का आयोजन कर देते थे और इसे महायज्ञ का नाम दे देते थे, ताकि हम स्वयं उनके पास जाकर उनसे बात करें। ऐसा ही स्वभाव है हमारे पिताश्री का। हम आपकी भावनाओं को समझते हैं देवी, किंतु हठ ना करें। आपका वहां जाना अनुचित होगा। ये केवल हम नहीं, नीति भी यही कहती है। एक पत्नी के रूप में हमारा वहां जाना अवश्य अनुचित होगा, परंतु एक पुत्री तो वहां जा सकती है। एक बार फिर हमें अवसर मिला है अपने पिताश्री के निकट जाने का। हमें जाने की अनुमति दीजिए प्रभु। आप फिर उसी माया के चलते अपनी भावना व्यक्त कर रही हैं देवी, किंतु आपकी हर इच्छा पूर्ण करना हमारा कर्तव्य है। जाइए, हमें आपकी प्रतीक्षा रहेगी।
महादेव, देवी शक्ति जा रही है, आप उनके बिना कैसे रहेंगे? कोई बात नहीं नारायण, कुछ ही समय के लिए जा रही, जल्द ही लौट आएंगी। परंतु यदा कदा लौटने में समय लगता है महादेव, और समय तो अपनी गति से चलता है, विलंब और शीघ्रता किसी के वश में का। ये आप कैसी रेस में बातें कर रहे हैं नारायण? आप जानते हैं ना, शिव और शक्ति कभी अलग नहीं हो सकते। सुखी रोटी तेरे हाथों से खाके आया मजा बड़ा। तेरे राणा जी फिर से तुझसे मिलने आ रहे हैं? रिश्ते के लिए हाँ हो जाएगी ना, हर बार की तरह किस्मत धोखा तो नहीं देगी। कैसा चल रहा है आपका काम? मैं मारी, मैं सुबह खेत में काम करती हूँ, फिर तालाब में ना भैंसों को मस्त रगड़ रगड़ के नहलाती हूँ, दोपहर में ना चौकड़ी मार के ना घिसम घिसम वाली फिल्म देखती हूँ, शाम को ना घूमने जाती हूँ मेरे राजा के साथ। राजा? पतीला? क्या? चाह, चाय उबल गई। राजा मेरा बैल। ना लड़कियों वाली कोई फीलिंग है ना बोलने का ढंग, यार शादी के लिए लड़की देखने आए हैं, अखाड़े का पहलवान नहीं। जो बंजर जमीन पे भी हरियाली ले आए उसकी जिंदगी में कोई रंग भर पाएगा। माटी से बंधी डोर 27 मई से शाम 7:30 बजे स्टार प्लस और डिज्नी प्लस हॉट स्टार पर। देवी, भ्राता, देवी आप लोग रुक क्यों गए? नहीं नहीं देवी, हम रुके नहीं हैं। तो फिर चल। स्वामी की प्रतिमा, वो भी यहाँ नगर के द्वार पर? द्वारपाल? नहीं नहीं, इनका स्थान यहाँ नहीं हो सकता। संभवतः शुभ कार्य के आरंभ हेतु इनकी प्रतिमा यहाँ स्थापित की गई होगी। हम पिताश्री से पूछते हैं। स्वागत है आपका, स्वागत है। आइए प्रभु, आइए माता लक्ष्मी।
स्वागत है आपका। प्रभु माता कृपया अपना स्थान ग्रहण कीजिए, हम आप ही की प्रतीक्षा कर रहे थे। प्रजापति दक्ष को क्या ज्ञात नहीं कि हमारे साथ उनकी पुत्री भी यहाँ आई है? प्रभु देवी आप कृपया अपना स्थान ग्रहण कीजिए। प्रजापति दक्ष हमारे यहाँ उपस्थित होने का कारण आपका निमंत्रण नहीं है, हमारी विवशता है। यज्ञ में देवताओं का आगमन उतना ही आवश्यक होता है जितना रात के अंधकार को दूर करने के लिए चंद्रमा का। किंतु आप एक बात भूल रहे हैं, यहाँ और भी आवश्यक है महादेव का उपस्थित होना। आपने ये कल्पना भी कैसे कर ली कि कोई भी यज्ञ महादेव के बिना पूर्ण हो सकता है? अपनी एक भूल के लिए क्षमा मांगने के स्थान पर आप एक और भूल करने जा रहे हैं। आपको इसी समय महादेव को आमंत्रण भेजना चाहिए, यदि वो नहीं आए तो हम इस सिंहासन पर कभी नहीं विराजेंगे। प्रभु यदि आपको सिंहासन पर अपना स्थान नहीं ग्रहण करना है तो कोई चिंता नहीं, परंतु महादेव यहां हमारे यज्ञ में यह असंभव। पिताश्री संभवतः भ्राता विष्णु के स्वागत की उत्सुकता में आपने हमें नहीं देखा। पिताश्री हम आपकी पुत्री हैं और बिना आपके निमंत्रण के ही आपके समक्ष उपस्थित हो गई, परंतु क्या ये उचित है कि हमें देख करके भी आप हमारे साथ ऐसा व्यवहार कर रहे हैं? आपके क्रोध का कारण हम जानते हैं, परंतु ऐसा हट एक बालक को शोभा देता है, आपको नहीं। इसीलिए और विलंब ना करते हुए आप शीघ्र ही महादेव को यहाँ आमंत्रित कीजिए। तो तुम यहाँ हमसे मिलने नहीं आई, अपने पति के लिए निमंत्रण की भिक्षा मांगने आई। प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।